इतनी बड़ी कौरवों के साथ सेना थी और पांडव तो केवल पांच ही थे, पांच ही थे, लेकिन भगवान कृष्ण साक्षी किसके बने? पांडवों। जब पांडवों के साथी बने तो कौरवों को हारना पड़ा, जबकि कौरवों की सेना में कितने कितने बड़े लोग, भीष्म से लेकर के द्रोणाचार्य से लेकर के कितने योग्य लोग थे, काबिल लोग थे, लेकिन उनकी हार हुई और जीत हुई किसकी? पांडवों। और यहाँ तक कि देखे भगवान किसने कितने कितने गीता में उपदेश दिए, उन्होंने यहाँ तक के काम किए जा फल की इच्छा मत नहीं करना, फल की इच्छा मत कर, काम करना चाहिए, सही काम करना चाहिए, अन्याय नहीं करना चाहिए। राजा का तो यही तो गुण होना चाहिए, लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए राजा कौन है, भारतीय जनता पार्टी के लोग, और भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे कुछ करते, कुछ वादे करते हैं, उन वादों को पूरा नहीं करते। आज कितनी परेशानियां हैं, हर व्यक्ति को कितनी परेशानियां हैं, महंगाई की चिंता नहीं, भ्रष्टाचार की चिंता नहीं, अगर छोटी भी रिपोर्ट अगर थाने में लिख जाए तो दोनों तरफ से पैसे, एक तो झूठी रिपोर्ट लिखाने वालों से पैसा, एक तो फिर सिफारिश करो तो फिर जो झूठी रिपोर्ट है उससे भी पैसा खुले आओ, और सरकार के लोगों को इसकी चिंता नहीं, महंगाई की चिंता नहीं, बेरोजगारी की चिंता नहीं, पढ़े लिखे लड़कों को वादा तो खूब किया था नौकरी का। हम पूछना चाहते हैं, और यहाँ तक कि हिंदुस्तान में भगवान राम को सभी लोग मानते हैं, जितने भी इस हिंदुस्तान के वासी हैं सब लोग मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं, और खासकर समाजवादी पार्टी के सभी लोग मानते हैं, भगवान राम को भी मानते हैं, भगवान कृष्ण को भी मानते हैं। भगवान राम में तो 12 कलाएं थी और कृष्ण जी में तो 16 कलाएं। जय हो, जय हो। और ये भी सबको पता है कि भगवान कृष्ण का जन्म। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।